हेलो बच्चों, हम लोग लास्ट टू लेक्चर से थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में, मींस जो लेक्चर इससे पहले से पहले वाला था, उसमें मैंने एक बात की आइसोकोरिक, मींस कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेसेस क्या होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की बात की। आज मुझे बात करनी है साइक्लिक प्रोसेसेस की बात करनी है। कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें मैंने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोसेस करना, अल्टीमेटली घूम फिर के वापस वहीं आ गया मैं जहां से चला था। ए प्रोसेस विच रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेट आफ्टर अ सीरीज ऑफ चेंजेस। बहुत सारा मैंने चेंजेस किए उसके अंदर और वो प्रोसेस मेरा वापस वहीं आ गया जहां से मैं चला था। अब कहते हैं मान लो ये एक प्रोसेस है। पहले आप यहां थे, आप ए से बी गए, तो यहां सपोज प्रेशर आपका P1 है और वॉल्यूम सपोज आपका ये कितना है बच्चा जी, V1 है। आप यहां तक आए हो, दिस इज सपोज योर प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2, और वापस आप चले गए ऐसे ऐसे वापस चले गए आप। क्या हुआ बच्चे जी? ऐसे आप वापस चले गए। ठीक है बेटा, ऐसे वापस चले गए। आप ए टू बी आए वाया सी और डी से वापस चले गए। कहते हैं व्हाट इज वर्क डन, डब्ल्यू ए टू बी कितना होगा बेटा? क्या पढ़कर आए हम लोग? एरिया अंडर पी डायग्राम। मीन्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ये वाला एरिया सारा नीचे तक, यहां तक ये एरिया सारा नीचे तक एरिया सारा, व्हाट इज डब्ल्यू बी टू ए, वो क्या होगा जी? अब उस एरिया के अगर आपने, अब ये एरिया यहां से यहां तक था बट अब निचले एरिया की बात करनी है, वो एरिया आपका शेड करके ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा एरिया? वो भी है तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है वो कितना, इसको चलो नाम कर देता हूं मैं, इसको नीचे लिख देता हूं, इसको बी कर देता हूं, इसको स्मॉल ए कर देता हूं, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। तो व्हाट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम, वो एरिया कितना बन गया बच्चा जी? ए सी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल, यही बन गया। अब डब्ल्यू बी टू ए कितना बन जाएगा बच्चा जी? इज इक्वल टू एरिया अंडर अगेन वही पीवी डायग्राम। ठीक है बच्चा जी, वही बनेगा। अब वो कितना बनेगा? ए डी कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल ए, राइट। यहां देखो एक्सपेंशन हुई है, यहां कंप्रेशन हुई है। अब एरिया तो कुछ नहीं बोल सकता बेचारा, उसके साथ मुझे साइन लगानी पड़ेगी नेगेटिव, ये बोल नहीं सकता एरिया। मैथमेटिक्स काउंट करता है हर चीज को लेकिन एरिया बेचारा बोल नहीं सकता। तो व्हाट इज वर्क डन, डब्ल्यू ए टू बी टू ए, ए से बी पर जाना और बी से ए पर वापस आना, क्या बन जाएगा एरिया? पहले ऊपर वाला दो माइनस से सीधा कर देता हूं तुम्हें, एरिया ए सी बी डी ए बन जाएगा, ये बीच वाला एरिया। हाँ जी यही आ जाएगा बीच वाला एरिया, चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? अब यहां पर कुछ हीट सप्लाई भी करोगे, कुछ हीट यहां से विड्रॉ भी करोगे। मान लो मैंने कहा, सपोज करते हैं मैंने कहा मैंने इसको 70 जूल की हीट सप्लाई की और 50 की एक्सट्रैक्ट कर ली वापस, तो व्हाट इज नेट हीट सप्लाइड? 20 आ जाएगी बच्चा जी। ठीक है जी, दो तीन काम करता हूं मैं, इधर लिखता हूं या चलो यहीं लिखते हैं। एक प्रोसेस है, मैंने 100 हीट सप्लाई की, उसमें से 60 मैंने वापस ले ली, व्हाट इज नेट हीट सप्लाइड? 40। नेक्स्ट मैंने 70 हीट सप्लाई की, उसमें से 30 वापस ले ली, नेट सप्लाइड 40। नेक्स्ट मैंने 50 हीट सप्लाई की, उसमें से 10 वापस ले ली, 40। ठीक हो गया? तो व्हाट इज नेट हीट सप्लाइड? तीनों केस में 40 आ रही है। लेकिन लेकिन अगर मैं पहले वाले सिस्टम की बात करूं
तो मुझे एक सोर्स चाहिए जो 100 जूल की या कैलोरी की हीट सप्लाई कर सके। यहां पर 70 वाले से काम चल जाएगा और यहां पर 50 वाले से काम चल जाएगा, तो कौन सा सिस्टम बढ़िया है मेरा? ये वाला। तो फिर ये बाय ये एफिशिएंसी बन जाएगी। आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो व्हाट इज एफिशिएंसी? नेट हीट सप्लाइड टू टोटल हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड, ये मेरी एफिशिएंसी होगी। तो यहां पर देख लो भाई, नेट 40/100, 40% एफिशिएंसी इस सिस्टम की, इसकी 40/70 तो 60% होगी एफिशिएंसी, इसकी 80% होगी एफिशिएंसी सिस्टम की। अब जो नेट हीट सप्लाइड है, ये मैं एरिया अंडर द ग्राफ वर्डन से निकाल दूंगा, तो नेट तो वही है, एरिया नेट तो वही है ना मेरा बच्चा जी। कुछ आइडिया मिल रहा है आपको मैंने कैसे काम करना है? एफिशिएंसी से मतलब क्या है मेरा? देखो दोनों में 100 दी, 60 वापस ले ली, 40 सिस्टम ने 40 रखी, मींस इसका वैल्यू 40 है, सॉरी 70-30 फिर 40 है, 50-70 फिर 40 है, तो सब में 40 है। तो मैंने कहा यहां अगर इस सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मुझे कम से कम 100 जूल वाला सोर्स चाहिए, यहां तो सोर्स बड़ा चाहिए ना बेटा, मेरे को खर्चा ज्यादा आएगा मेरा। तो मैंने कहा टर्म एफिशिएंसी, हीट नेट हीट सप्लाइड समय 40 है, टोटल हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड कितने एक्स्ट्रा की उसकी बात नहीं कर रहा, टोटल हीट सप्लाइड की बात कर रहा, कोई डाउट हो। चले बेटा जी आगे नेक्स्ट देखो। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है बच्चा जी। लो जी दो साइकिल बनाता हूं, पहले फिर आइडिया मिल जाएगा आपको। एक महीने का पहले आप यहां खड़े हुए थे, यहां से यहां गए, यहां से फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए और वापस वहीं चले गए जहां से चले थे। ए से चले बी पे वापस आ गए, सी और डी, मैंने एक प्रोसेस बनाया ये, ठीक है जी। एक प्रोसेस मैंने और बनाया, पीवी डायग्राम बेटा ध्यान रखना, ये अगर नहीं मेंशन किया तो मेंशन कर देता हूं, दिस इज योर पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम से निकलता है गॉर्डन हमेशा। सेम साइकिल है, सेम साइज का बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप चलो यही खड़े थे ए पर ही पहले, ठीक है, ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, सी से डी पर आए और डी से फिर ए पर आ गए, दो प्रोसेस किए मैंने। यहां पर मैं पहले ए से बी पर गया, इनके नीचे मार्किंग कर देता हूं, दिस इज स्मॉल सी, ये चलो स्मॉल बी और स्मॉल ए, क्योंकि बी में थोड़ा सा हमें फर्क नजर नहीं आता ज्यादा। जब मैं ए से बी गया, व्हाट इज वर्क डन? डब्ल्यू ए टू बी गया, व्हाट इज वर्क डन? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल ए, इधर जा रहा हूं बेटा, कंप्रेशन कर रहा हूं, नेगेटिव आएगा, मैंने क्या कहा था एरिया बोल नहीं सकता। फिर जब बी टू सी आया तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, नो वर्डन। जब सी टू डी गया तो डब्ल्यू बी टू सी ले देता हूं साथ साथ, यहां पर डब्ल्यू बी टू सी कितना बेटा? जीरो। डब्ल्यू सी टू डी, डब्ल्यू सी टू डी की बात कर रहे हैं अब हम, कितना होगा बच्चा जी? अगेन अब तो एक्सपेंशन हो रही है, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ए स्मॉल बी। जब डब्ल्यू डी टू अगेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डब्ल्यू डी टू ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जीरो आ गया। व्हाट इज टोटल वर्क डन? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को मेरा बच्चा जी, जब पहले तो ये वाला यहां तक वाला एरिया था फर्स्ट टाइम, तो अब सेकेंड टाइम ये वाला एरिया, सिर्फ सेकेंड टाइम ये वाला एरिया है, ये पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव है, तो व्हाट इज वर्क डन? टोटल वर्क डन डब्ल्यू ए बी सी डी ए इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ए बी सी डी आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, इधर वाला ग्राफ हो गया सारा ये। अब इधर देखो बच्चा जी, W जब मैं A टू B गया मेरा बेटा जी, A टू B कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब B टू C, अच्छा C
सी ए बेटा, इनकी नीचे मार्किंग कर लेते हैं इनके भी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल डी नीचे नाम देते बेटा इनको भी, है तो वॉल्यूम बेटा ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, क्योंकि डायग्राम हमेशा पीवी रहेगी उसके लिए, और कोई डायग्राम आपको वर्डन देगी नहीं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया पी इंटू डीवी इज वर्डन, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्डन। जब बी टू सी गए बच्चा जी, डब्ल्यू बी टू सी, अब चेक कर लो माइनस आएगा क्योंकि कंप्रेशन कर रहा हूं, वो क्या बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल डी सी बन जाएगा। जब सी टू डी गए डब्ल्यू सी डी, अगेन जीरो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, अब डब्ल्यू डी टू ए आए बेटा जी, डब्ल्यू डी टू ए, अगेन मैंने कब कम एक्सपेंशन हो रहा, पॉजिटिव वर्डन होगा, पॉजिटिव क्या होगा लेकिन वो कैपिटल डी कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल डी। जब तो ये वाला था नेगेटिव, तब तो ये सिर्फ नीचे वाला है, ध्यान रखना जरा, और जब मैंने बात की है ऊपर इसकी पॉजिटिव की, तो वो सारा ऊपर से नीचे तक है, सारा ऊपर से नीचे तक। जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला माइनस करूंगा इसमें से, बच जाएगा बीच वाला, तो डब्ल्यू ए बी सी डी ए वही आ गया, ए बी सी डी एरिया, ए बी सी डी एरिया, ए बी सी डी ए आया, लेकिन आज वो पॉजिटिव साइन के साथ आया है, पहले वो नेगेटिव साइन के साथ आया था, ठीक है बच्चा जी। अब यहां से एक जर्नल वो निकाल देते हैं, अगर मेरा साइक्लिक कर्व एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन। अगर मेरा वो क्लॉकवाइज है जो लूप है मेरी, तो वर्क डन क्या होगा मेरा बच्चा जी, पॉजिटिव होगा। अगर मेरी लूप क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो मेरा साइक्लिक प्रोसेस है। अगर मेरा प्रोसेस नॉन साइक्लिक हो, वापिस ना पहुंच पाता हो जहां से मैं चला था, उसका भी चेक कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। लो जी, अब मैं एक प्रोसेस बनाता हूं विच इज नॉन साइक्लिक, ठीक हो गया, उसकी बात भी कर लेते हैं साथ साथ। लो जी, मैंने कहा ये मेरी एक पीवी डायग्राम है, लो जी राइट, इसमें जो है मेरा एक्सपेंशन ऐसे हुआ, पॉसिबिलिटी है चेक कर लो, ए से भी आ गया मैं, और मैंने एक और बनाया पीवी डायग्राम, दो बना रहा हूं मैं पीवी डायग्राम नॉन साइक्लिक प्रोसेस के, दिस इज माई वॉल्यूम, दिस इज माई प्रेशर, एक और बना देते हैं बच्चा जी, ठीक है जी, उसमें भी चेक करते हैं वर्डन क्या आएगा। थोड़ा सा आगे तक ले लेता हूं मैं इसको, ये मैंने थोड़ा सा आगे तक ले लिया राइट। मैंने कहा मैं यहां से गया, यहां आया और यहां आके रुक गया, ए से बी गया, बी से सी आया और सी से डी पे आके रुक गया, अब वर्डन कितना होगा कहता है, कहते ये कौन सा प्रोसेस है नॉन साइक्लिक, कोई बात नहीं इसको बना रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। कहते यहां पर वर्डन क्या आएगा, एरिया इनक्लोज शेडेड पोर्शन, ये आएगा एरिया क्या आएगा, शेडेड पोर्शन का है एरिया, शेडेड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। यहां एरिया कितना आएगा, यहां पर भी एरिया शेडेड आएगा, अभी बनाता हूं मैं शेडेड एरिया, इस डी को थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर एरिया ये बनेगा आपका, लेकिन लूप के आपकी अगर लूप कंप्लीट करनी पड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो मैं, तो यहां पर शेडेड नेगेटिव आएगा। क्यों, जब मैं ऐसे गया था तो मेरा ये एरिया था कितना था, वो नेगेटिव था, ऐसे वाला सिर्फ पॉजिटिव, छोटा सा निकाल दिया पॉजिटिव मैंने, नेगेटिव बच गया सारा मेरा। तो चाहे प्रोसेस साइक्लिक है चाहे प्रोसेस नॉन साइक्लिक है, जहां से गए हो और जहां पहुंचे हो उसके डायरेक्शन चेक करो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए मैंने आपको नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक है भाई प्रोसेस, क्यों, क्योंकि अभी आपका जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंच रहा है, ये डॉटेड लाइन है सारी, ध्यान रखना यही आके रुक गया सिस्टम, इसको बल्कि इसको ये कर दो, ए से बी पर आके रुक गया सिस्टम बेटा जी आपका, यहां पर ए से डी पर आके रुक गया सिस्टम आपका। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में भी आपका जो डायरेक्शन ऑफ लूप है वही बताएगा, मींस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग पाथ है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वही बताएगा कि आपका जो वर्डन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा जी। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये।
ए मोनोटॉमिक, ए मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए एज शोन इन फिगर एज शोन इन फिगर राइट कैलकुलेट वर्क डन कैलकुलेट वर्क डन राइट बच्चा जी ये आपकी एक पीवी डायग्राम है दिस इज पीवी डायग्राम जिसमें ये साइक्लिक प्रोसेस किया मैंने ठीक है तो नंबरिंग कर देते हैं एक दो तीन चार पांच इधर भी कर देते हैं एक एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है ये प्रेशर पी है बच्चा जी और ये वॉल्यूम वी है ठीक है प्रेशर सपोज आपका हमारा यहाँ पर है हम पहले शुरू में मैं डॉटेड लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ना ग्राफ बनाने में फिर थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है हमें सपोज हम पहले यहाँ खड़े हुए हैं ठीक है और यहाँ से हम आए यहाँ तक ठीक है यहाँ से हम गए यहाँ तक ठीक है जी ए सपोज हम पहले यहाँ से यहाँ आए यहाँ से यहाँ गए इसको फिर थोड़ा सा दो का गैप है ये टू हो जाएगा ये थ्री फोर फाइव सिक्स तक चले गए बेटा जी हम उसके बाद हम वापस गए एक दो तीन चार एक दो तीन चार और हम ऐसे वापस चले गए बेटा ठीक है जी दिस इज़ माई साइक्लिक प्रोसेस मैंने जान के अभी सिमिलर बनाया बेटा सिमेट्रिकल बनाया ताकि अभी मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ आप ए से बी पर गए बी से सी पर आए और सी से डी पर गए डी से ए वापस आ गए ठीक है बेटा कहते हैं कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस एक तो तरीका बच्चा जी ये है कि भी आपको पता है कि एरिया अंडर द क्लोज्ड कर्व होता है शेडेड पोर्शन वाला ये मैं पढ़ाया हूँ एक तो तरीका है कि इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लो मीन्स दिस एरिया और एक तरीका वो है कि पहले आप ए टू बी चलो वर्डन निकालो फिर बी टू सी चलो वर्डन निकालो फिर सी टू डी चलो वर्डन निकालो फिर डी टू ए लेकिन ये तो मैंने पढ़ लिया केरी अंडर द कर्व होता है तो क्या बन रही है ये पैरेललोग्राम बन रही है ऑर्डर कौन सा है इसका ए टू बी बी टू सी कौन सा ऑर्डर है बच्चा जी एंटी क्लॉक वाइज है ऑर्डर कौन सा है बच्चा जी चेक कर लो एंटी क्लॉक वाइज ठीक हो गया ऑर्डर इज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लो कहीं डाउट हो बता दो यहां डाउट आ रहा है जी हमें और वैसे भी देखो जब आप ये एक्सपेंशन हो रहा है ये भी एक्सपेंशन हो रहा है ये कंप्रेशन जब कंप्रेशन की बात कर रहे हो एरिया बड़ा आ रहा है ये आपका एक्सपेंशन का एरिया है ये वॉल्यूम है बेटा जी दिस इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन एरिया छोटे आ रहे हैं कंप्रेशन एरिया बड़े आ रहे हैं तो मैंने कहा ऑर्डर इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कैसा है बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज व्हाट इज एरिया हाँ जी क्या बन जाएगा सिक्स तो ये सिक्स माइनस टू बेस आ जाएगा सिक्स वी नॉट माइनस टू वी नॉट ये बेस बन गया बेटा पैरेललोग्राम का हाइट कितनी है ये हाइट है ये है वन टू थ्री फोर फाइव ये बेटा सारे ये भी पी नॉट में है क्योंकि न्यूमेरिकली तो मुझे दी नहीं उसने दिस इज योर फाइव पी नॉट दिस इज थ्री पी नॉट दिस इज पी नॉट दिस इज योर 2V0, this is your 4V0, and this is your 6V0, ठीक है बेटा तो 6V0 minus 2V0, और ये 5P0 minus P0 into 5P0 minus P0, ठीक हो गया बच्चा जी तो 6 minus 2, 4V0 into 5 minus 1, 4P0, तो 16P0 V0, ये आपका बेटा वर्क डन आ गया है और कैसा आया है आई हैव टू बी केयरफुल मुझे यहीं पर माइनस लगाना चाहिए क्योंकि ऑर्डर क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ऑर्डर कौन सा है बच्चा जी एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे इस माइनस साइन को किसी भी स्टेज पे नहीं भूलना है अगर मैं भूल गया तो एक तो वर्डन
एक होता है स्विद साइन, तो आपको ऑप्शन में अगर नेगेटिव साइन नहीं है तब तो ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, वो अगर साइन दिए हुए हैं तो -16 पी नॉट वी नॉट बन रहा है इस क्वेश्चन का। चले आगे बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए साइक्लिक प्रोसेस इज एज शोन इन फिगर, ठीक है बेटा, कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन आपने निकालना है बेटा जी, ठीक है, प्रोसेस है नेचुरल साइक्लिक है तो एरिया अंडर द ग्राफ ही निकालना होगा। अब देखते हैं वो कैसे निकलेगा बच्चा जी। ये कहता मुझे दिया हुआ है ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा, ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है कहता लीटर्स के अंदर, तो मैं पार्ट्स बना लेता हूँ, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट। यहाँ लिखा उसने 10, 20 लीटर्स बन गए बेटा, अब ये 1, 2, 3, 4। मैंने क्या बताया, ग्राफ बना लिया करते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। ये मैंने प्लॉट कर ली लाइनें बेटा अपने, ठीक है, जस्ट टू गिव कन्वीनियंस इन ड्राइंग द फिगर, ये मैंने प्लॉट कर ली मेरा बच्चा जी, और थोड़ा सा और आगे लेके इनको एक और ये प्लॉट कर ले, ठीक हो गया बच्चा। कहता मैंने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और ये 3 आ गया, यहां तक चले कहता है, यहां तक चले, और फिर हम ए इसके आधे तक, ए यहां तक आए, यहां तक आए, फिर वापस चले गए, कहता यहां से वापस चले गए, और फिर कहता और फिर ऐसे यहां तक आए। पहले फिगर ड्रॉ कर लो बेटा, अभी बताता हूं, पहले हम ए से कहते हैं गए हैं कहां पर, बी तक गए हैं, बी से फिर कहते हैं हम गए हैं सी तक, सी से वाया डी ई पर गए हैं, और ई से वापस ए पर आ गए। प्रोसेस क्या है बेटा, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, डी से ई पर, और ई से वापस ए पर आ गए। कैलकुलेट वर्क डन इन द प्रोसेस, एरो मार्क कर लो, सारे एरो का बहुत मीनिंग है। कहते हैं ध्यान से चेक करो क्या ये दो उनका नहीं बना हुआ, दो पार्ट्स का, एक पार्ट तो ए डी ई है और एक पार्ट सी डी बी है। जो पार्ट ए डी ई है उसका ऑर्डर कौन सा है, क्लॉकवाइज, और जो पार्ट आपका बी सी डी है उसका ऑर्डर कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। बस कहता है दोनों के एरियाज निकालो, माइनस करो और काम कर लो अपना, कहता है देख लो यही तो बनेगा। इसका वर्डन कितना बनेगा ए डी ई का, देख लो जी, डब्ल्यू ए डी ई ए वापस जाना, क्योंकि तभी वर्डन बात, और ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, तो कैसा आएगा बच्चा जी, पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो पॉजिटिव का साइन लगाना पड़ेगा मुझे, हाफ बेस इनटू हाइट होता है बच्चा जी, बेस कितना है ए ई, बेस कितना है ए ई, और हाइट कितनी है, ये हाइट है, ये था 1 एटमॉस्फेयर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एटमॉस्फेयर है, ये वॉल्यूम, ये लिखना रह गया था बेटा मेरे से, ठीक है। व्हाट इज हाइट, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 ये हाइट है आपकी, तो 1/2, व्हाट इज ए ई, ए ई बच्चा जी कितने है, 10 लीटर है, तो मैं इसको यहां पर 10 लीटर लिख रहा हूं, इनटू 2 यहां ले देता हूं, ये कितने बेटा जी एटमॉस्फेयर है, एटीएम एटमॉस्फेयर, तो सॉल्व करके मैंने इसको वर्ड लगा दिया 10 यूनिट, बाद में एडजस्ट कर देंगे यूनिट्स वगैरह सारे इसके, कोई डाउट बच्चा यहां तक। चले इसको मैं ले देता हूं नीचे थोड़ा सा, ताकि मेरे पास वो स्पेस पूरा बच जाए। अब देखो जी नेक्स्ट देखो बेटा जी, कौन सा है ये सी डी बी की बात करनी है, डब्ल्यू हां जी बी से सी डी से और फिर वापस बी पे आना, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटा जी यहां साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, हाफ अगेन बेस इनटू हाइट, बेस कितना है बच्चा जी बी सी, जो मुझे शायद पता ही नहीं है, अभी निकाल देते हैं कोई बात नहीं इसको, माइनस हाफ बी सी, और हाइट कितनी है, वो 4 माइनस 3 एटीएम है। अब मेरी जॉब है बी सी को निकालना, ध्यान से देखो ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर है, तो क्या आएगा बच्चा जी, ए ई बटा बी सी बराबर है ये वाली हाइट, हाइट कितनी है ये 3 माइनस 1 बटा 4 माइनस 3, यही हाइट बनेगी, तो सॉल्व करके दो, ये 2 आ जाएगा बेटा जी, तो व्हाट इज बी सी,
ए बाय टू आ जाएगा। व्हाट इज ए ई, कितना बचा जी? 20 माइनस 10 बटा 2 इज इक्वल टू 5 लीटर आ जाएगा। पुट करो यहां पर, सो दिस इज योर माइनस हाफ, बी सी इज योर 5 लीटर इनटू 1। तो ये सॉल्व करके 2. माइनस साइन के साथ माइनस 2.5 यूनिट आ जाएगा मेरा बच्चा जी। चेक कर लो इसको पहली बात। व्हाट इज टोटल वन जो पूछा उसने मेरे से, तो डब्ल्यू ए बी सी डी ई ए वो बन जाएगा आपके पास 10 माइनस 2.5 बराबर है 7.5 यूनिट। अब यूनिट को कैलकुलेट कर देते हैं बच्चा जी। तो व्हाट इज 7.5, हाँ जी क्या है, पहले लीटर है साथ में, लीटर में अगर बनाने मुझे मीटर की भी तो इनटू 10 से माइनस 6 लगाना पड़ेगा। क्यों? पहले 7.5 लीटर के 7500 सीसी बनेंगे, फिर 10 से माइनस 6 करना पड़ेगा। तो या 7.5 है आपके पास लीटर है, इनटू 10 से माइनस 6 कर दो, सीधे मीटर क्यूब बन जाएंगे। बेटा जी प्रेशर है 1.013 इनटू 10 रेस टू पावर 5, अब ये बन जाएंगे आपके जूल बन जाएंगे बेटा जी। चेक कर लो इसको, रफली 1 मान रहा हूं मैं, तो पावर क्या रह जाएगी 7.5 इंटू 10 रेस टू माइनस सॉरी प्लस 2 जूल रह जाएगी, माइनस 3 प्लस 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये रफली अप्रोक्सीमेटली 750 जूल आ जाएगा बच्चा जी। वर्ड लगा देता हूं यहां पर अप्रोक्सीमेटली 750। कोई डाउट है बेटा? मैंने क्या कहा, उसने कहा एक साइक्लिक प्रोसेस है एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट वर्क डन। तो जब वर्ड साइक्लिक प्रोसेस आ गया है तो पहली बात तो है कि एरिया अंडर द ग्राफ मेरा वर्क डन होगा, पहली बात। नंबर 2, अब मुझे चेक करना है क्योंकि यहां 2 लूप बन रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकता था पहले इसकी बात, ए से पहले बी गया ये एरिया निकालता, बी टू सी गया फिर उसकी बात करता, हालांकि यहां पे उल्टा दिया हुआ सारा काम उसने, इधर प्रेशर उधर वॉल्यूम है, इधर पीवी का मुझे जल्दी समझ आता है, वो भी दिक्कत थी, लेकिन चलो। फिर मैं सी से ई का ऑर्डर निकालता, फिर मैं ये भी काम कर सकता था मैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये काम क्यों करूं जो मुझे क्लियरली नजर आ रहा 2 लूप बन रही है। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाला, ये कौन सी है क्लॉकवाइज है, वो कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का कौन सा होता है पॉजिटिव, ऑर्डर क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क। इसका क्या होता है बच्चा जी नेगेटिव वर्क। तो मेरी ये कौन सी थी पॉजिटिव थी, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया, ये कौन सी है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। दोनों के वर्कडन पहले मैंने अलग अलग निकाल लिए, ये देखो एक का 10 यूनिट एक का 2.5 यूनिट, तो व्हाट इज नेट वर्कडन मेरे पास 7.5 यूनिट आ गया। मैंने वर्ड यूनिट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर मैं उलझना नहीं चाहता था यूनिट के साथ, तो मैंने इसको छोड़ दिया, यूनिट वर्ड लगा दिया यूनिट। यूनिट कौन से मुझे पता है, लीटर और एटमोस्फेयर वाले हैं। अब मैंने यहां लाके सॉल्व किया तो 7.5 यूनिट थे, पहले लीटर के मीटर क्यूब बनाए और एटमॉस्फेयर के आपके क्या बनाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाए, क्या बन गई ये जूल बन गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट आपको? तो मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन किया एक सिंपल लूप का, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। चले आगे देख लो बच्चा जी, चले आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, ए मोनोटोमिक गैस टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस हां जी बेटा जी, एज शोन इन फिगर अभी फिगर में दिखा रहे हैं बेटा जी, ठीक है जी, एज शोन फिगर कैलकुलेट। आज मुझे वर्क डन नहीं निकालना है, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालनी है अभी मुझे, ठीक है बच्चा, क्या निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकाल। कहता है जी साइकिल आपका ये है, ये साइकिल बना दिया पहले मैंने, ये आपका 2P0 है बेटा जी, ये आपका P0 है,
ये आपका वी नॉट है, ये आपका टू वी नॉट है, ठीक हो गया। ये प्रेशर है क्योंकि पी नॉट लिख ही दिया मैंने, तो ये वॉल्यूम है। कहता पहले मैं यहां से यहां गया, ए टू बी गया कहता पहले मैं, फिर मैं बी टू ए सी आया कहता मैं, और फिर मैं सी टू ए वापस चला गया। दिस इज माई प्रोसेस। वट इज एफिशियंसी, अभी मैं पढ़कर आया हूं डेफिनेशन में। वट इज ईटा, टोटल हीट सप्लाइड, सॉरी नेट हीट सप्लाइड टू टोटल हीट सप्लाइड। और जो नेट हीट सप्लाइड है वो क्या आती है बेटा जी? कोई बात नहीं, दो स्टेप करूंगा। नेट हीट सप्लाइड टू द टोटल हीट सप्लाइड, ये मेरी डेफिनेशन है। अब नेट हीट सप्लाइड तो वर्डन होती है एरिया अंडर द ग्राफ, वो तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो लो जी, तो व्हाट इज ईटा, क्या बन जाएगी? वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड पर साइकिल, क्या हो जाएगा? हीट सप्लाइड पर साइकिल। और हीट सप्लाइड भी कौन सी है? टोटल हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड है मेरा बच्चा जी वो भी। तो दो काम करने हैं मुझे, तो फिर पहले एरिया निकाल लें, ठीक है ना, वॉर्डन की बात कर लें, इसको रब करते हैं, रेशियो फाइनल रेशियो आ गया ऊपर मेरे पास, क्योंकि स्पेस साथ साथ निकालता रहूंगा बेटा मैं, अब स्पेस को साथ साथ निकालता रहूंगा मैं, ठीक है। लो जी, पहले वर्क डन की बात कर देते हैं। वर्क डन, वर्क डन, ए से बी, बी से सी, सी से ए वापस आना। प्रोसेस कौन सा है? साइक्लिक है, पॉजिटिव होगा। हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है बेटा जी? एसी। हाइट कितना है बेटा जी? बीसी। तो इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज दिस एसी? टू वी नॉट माइनस वी नॉट इनटू टू पी नॉट माइनस पी नॉट, सॉल्व करके आ जाएगा हाफ पी नॉट वी नॉट। तो मेरे पास डब्ल्यू ए से बी पर जाना और सी से ए पर आना, ये आ गया बेटा जी। अब मुझे टोटल हीट सप्लाइड की बात करनी है, इसको भी बाद में देख लेंगे, क्योंकि अब मुझे टोटल हीट सप्लाइड की बात करनी है। जब मैं ए से बी गया तो एक्सपेंशन हो रहा है बेटा जी मेरा, एक्सपेंशन तो हीट चाहिए मुझे, तो हीट दूंगा तभी एक्सपेंशन होगा। जब मैं बी से सी आया तो मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर को डिक्रीज कर रहा हूं, तो हवा बाहर निकालूंगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स हीट बाहर निकाल रहा हूं मैं। जब मैं सी से ए पर गया तो मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं, तब भी हीट बाहर निकलेगी। तो सिर्फ हीट तो यही अंदर जाएगी, बाकी दोनों में तो बाहर निकल रही है, तो हीट निकालनी है मुझे भाई यहां पर कितनी है। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूंगा, अगर मैं प्रोसेस ए बी की बात करूं, तो क्या कर सकता हूं मैं? डी क्यू ए टू बी इज इक्वल टू डी यू ए टू बी प्लस डी डब्ल्यू ए टू बी। अब मुझे डी डब्ल्यू निकालना आता है एरिया अंडर द कर्व निकाल के, इसको भी निकालूंगा फ्री आ जाएगी मेरे पास। तो देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। तो पहले तो लास्ट वाला काम कर लें, तो पहले तो W A टू B वाला काम कर लें। अब जब मैं A से B गया, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्डन पॉजिटिव आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? एरिया ट्रेपीजियम बन रही है ये, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 आएगा, तो क्या बनेगा? तो ये 2 P नॉट प्लस P नॉट डिवाइडेड बाय 2 इनटू वी नॉट। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हाफ, सॉरी 3 बाय 2 पी नॉट वी नॉट। ये डब्ल्यू ए भी आ गया, ए से लेकर बी तक जाने का काम सिर्फ ये है। अब मुझे यहां से यहां कितनी आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई वो बतानी है, कोई बात नहीं करते हैं। उसके लिए मुझे टेम्परेचर चेंज चाहिए कितना होता है। लो जी, मैंने कहा कि एक स्टेट ए है, रफ वर्क कर रहा हूं मैं ये, तो यहां लिख दो वर्ड वन मोल, एक रह गया बड़े बड़े यहां से वर्ड मेरे पास, वन मोल ऑफ ए मोनोटोमिक गैस, एक वर्ड रह गया था मेरे से वन मोल। तो ये पी वी इक्वल टू आर टी बन जाएगी वन मोल के लिए। तो व्हाट इज द पी? पी वी बाय आर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं इसको पहले कर रहा हूं स्टेट ए पे लगा रहा हूं, स्टेट ए, स्टेट ए पे क्या बन जाएगा बेटा? ये P नॉट V नॉट बाई R, कहां लगाया मैंने इसको? स्टेट A पे लगाया, ये टेम्परेचर है भी स्टेट A के ऊपर। स्टेट B पे लगाने जा रहा हूं मैं,
स्टेट बी पे लगाने जा रहा हूं, क्या बन जाएगा वो? बी पे प्रेशर कितना है? 2 पी नॉट। वॉल्यूम कितना है? 2 वी नॉट बाय आर, सो दैट इज 4 पी नॉट वी नॉट बाय आर। दोनों स्टेट पे टेम्परेचर आ गया मेरे पास। कोई डाउट हो बच्चा जी, इसको रब कर लूं? लो जी, अब देखते हैं, लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहां पर? ए से बी, बाय फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी पे लगाने जा रहा हूं भाई मैं। तो हीट सप्लाइड, ये इसको लाइन लगा लो ताकि इसे अलग हो जाइए, या थोड़ा सा उधर लिख लो इसको। तो डी क्यू ए बी बराबर है डी यू ए बी प्लस डी डब्ल्यू, ये तो मैं निकाल के बैठा हूं। कहां पर? ए, ये निकाल कर बैठा हूं मैं। तो लो जी, डी क्यू ए बी बराबर है डी यू, वो क्या होगा? एन सी वी डी टी होता है बच्चा जी, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक रूल पढ़ा है। प्लस डी डब्ल्यू, इसको पुट कर देता हूं, 3/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? हां जी, आराम से काम करना है, स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस फालतू पड़ा है मेरे पास, ए यहां तक स्पेस फालतू पड़ा है, कोई बात नहीं, मुझे वैल्यू याद है, मुझे चिंता ना करो। स्टेट ए और बी की, ये बी की है, ए की मुझे पता पी नॉट है, या इनको ऊपर ले देता हूं। यहां पर स्टेट ए पे टेम्परेचर कितना है? पी नोट वी नोट बाई आर है। स्टेट बी में टेम्परेचर कितना है? वो 4 पी नोट वी नोट बाई आर है। तो दिस इज योर टी ए, दिस इज योर टी बी। ठीक हो गया बच्चा, ये निकाल के अभी निकाले मैंने आपके सामने। तो लो जी, अब ये सारा ऐसे कर लो, तो अलग कर दो इससे। वट इज डी क्यू? कहां? ए से बी जाना है। एन सी वी डी टी, एन वन मोल है बच्चा जी, सी वी मोनोटोमिक गैस है, 3/2 आर। डी टी चेंज इन टेम्परेचर, दिस माइनस दिस, तो 4-1 3 आ जाएगा, 3 पी नॉट वी नॉट बाई आर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, प्लस 3/2 पी नॉट वी नॉट। तो ये 3 कैंसिल हो गया बेटा जी, सॉरी 9/2 आ गया, 9/2 पी नॉट वी नॉट प्लस 3/2 पी नॉट वी नॉट, सॉल्व करके 6 पी नॉट वी नॉट आ गया भाई। कितने आ गई? ये डी क्यू ए बी आ गई, मीन हीट सप्लाइड ड्यूरिंग ए टू बी, बाकी में तो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। तो व्हाट इज एफिशिएंसी? वर्क डन कितना था जी? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन ये निकाल रखा है, हाफ पी नॉट, ये टोटल वर्क डन है, बाय 6 पी नॉट वी नॉट, तो 1/12 आपकी एफिशिएंसी आ गई अभी साइकिल की। कोई डाउट हो चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो चले आगे देख लो बेटा जी। यहां मैंने आपको साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी सिखाई है, नेक्स्ट चले। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा? एफिशिएंसी होती है वर्क डन पर साइकिल टू द टोटल हीट सप्लाइड। वर्क डन का आपको यहां से निकल गया, कहां निकाल रखा है वो? ये निकाल रखा है, हीट सप्लाई के लिए आपको फर्स्ट लॉ लगाना पड़ गया। देखो क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके ये 5 प्रोसेसेस हैं, 5 में लगता है मेरा फर्स्ट लॉ। अब पहले 2 क्वेश्चन में नहीं लग पाया, क्यों? मैंने वहां पर वर्क डन की बात कर रहा था, मैं एक पार्ट की बात कर रहा था। अब मेरा कंप्लीट हो गया सारा, ये साइक्लिक प्रोसेस में अब कंप्लीट सोल्यूशन मेरा निकल चुका, निकालना आ गया मेरे को। आगे चले बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, इन साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। जो मैं नीचे फिगर में दिखाने जा रहा हूं उसका आपको वर्क डन निकालना है। ये आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चा जी, ठीक है? तो 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है बेटा जी। इधर तो वॉल्यूम है मीटर क्यूब के अंदर, इधर प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है बेटा जी। तो
तो ये 2, 4, 6 तो लाइनें ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा करना बच्चा जी। तो ये आपका 6 है, ये आपका 5 है। तो पहले तो मैं 2 से लेकर ए यहां तक आया बेटा जी, स्ट्रेट लाइन आया ए से लेकर बी तक, फिर मैं वहां से लेकर कहां तक आया बच्चा जी, यहां तक आया 1 तक, और फिर मैं यहां से वापस चला गया। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन पढ़ रखा है मैंने, एरिया अंडर द कर्व, यही तो वर्क डन। क्या होता है बच्चा जी, हाफ बेस कितना है, किसी को मान लो, चलो बीसी मान लेते हैं, इनटू हाइट एसी, हाफ व्हाट इज बी, व्हाट इज बीसी, बीसी 6 माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू एसी, एसी सॉरी एसी तो गलती दिया अभी मैंने, इंटू ए बी आएगा, बीसी इंटू ए बी हाइट दैट इज 5, क्योंकि ये 2, 4, 6 है बेटा जी, 2, 4, 6 तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 माइनस 1 चेक कर लो बच्चा जी, तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 20, 10 आ गया जूल, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया आपका, और कब आया है, 2019 में आया है। अगर तो मैंने 10 जूल टिक कर दिया, गलत कर दिया, आई हैव टू चेक कैसा था ये क्लॉकवाइज, तो यही आंसर है। अगर कहीं गलती से इसका एरो उल्टा होता तो मुझे फिर चेक करना पड़ता कि +10 है या -10 है। तो ये नहीं जस्ट एरिया निकालो और छोड़ दो, टिक कर दो, नहीं, सबसे पहले उसका ऑर्डर भी चेक करो, ऑर्डर कौन सा है, क्लॉकवाइज, तभी +10 आएगा, उस ऑप्शन में -10 भी दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बच्चा, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल, पहले मैं साइकिल बना रहा हूं फिर लिखूंगा जो लिखना है मैंने, लो जी ठीक है। यहां मैंने मार्क किया 1, यहां किया मार्क 2, आज यहां पर तो दिया उसने वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर, और यहां मार्क किया उसने 10, और जो प्रेशर है वो है बेटा जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अपना डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपने, ताकि काम करना आसान हो जाए। वो कहता है पहले तो मैं गया भाई ए से लेकर बी तक, गया सीधा, गया बिल्कुल ऊपर, ए से बी गया, ठीक है। फिर मैं बी से सी आया, कहां तक आया ये तो मुझे पता है, कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहा हूं, लेकिन प्रेशर नहीं दिया दे रखा उसने मेरे को, ये प्रेशर मेरा अननोन है, नहीं पता मुझे। और फिर मैं वापस चला गया यहां पर, ए से बी आया, बी से सी और सी से, कहता एक चीज दी हुई है, नेट हीट सप्लाइड, नेट हीट सप्लाइड वो कितनी है, वो 5 जूल की है। अब ये मुझे पता है कि नेट हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर होती है, तो ये वर्क डन उसने सारा दे रखा है। तो उसने मुझे डब्ल्यू ए से बी, सॉरी उसने मुझे डब्ल्यू ए बी सी ए दिया हुआ है। अब कहता है आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने डब्ल्यू सी ए फाइंड आउट करना है, कहता है ठीक है जी। टोटल दे रखा है कितना है, 5 जूल है, ये मुझे 5 जूल दिया हुआ है, कहता कोई बात नहीं, और अब प्रेशर वगैरह मुझे दिया नहीं है, तो कहता कैसे करूं, कोशिश करते हैं करने की। तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी सी ए, कहते हैं क्या ये इसके बराबर नहीं है, डब्ल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, और बाकी 2 निकाल लेता हूं मैं, कम बन जाएगा मेरा, कोई बात नहीं देखते हैं। तो व्हाट इज डब्ल्यू ए टू बी, पहले यही निकाल लें, सबसे पहले ए टू बी, जब मैं ए से बी गया मेरा वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है, तो व्हाट इज वर्क डन, क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, प्रेशर 10 है, ये वाला एरिया लेना मैंने, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, एरिया कितना हो जाएगा, वो 10 × 2 − 1, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव साइन का, 10 जूल। तो इसको मैं इनिशियल ले देता हूं ताकि वहां दिक्कत ना आए मेरे को, ठीक हो गया। डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी ये वाला एरिया आ गया बेटा, एरिया अंडर द कर्व ये वाला, तो ये 2 − 1 हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है मेरा, देखो 1 से 2 हो रहा है, प्रेशर मेरा कितना था इस समय, 10 है। तो व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया दिस इंटू दिस, ठीक हो गया। अब जब मैं बी से सी गया तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, डब्ल्यू बी सी
कहाँ है वो? कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी कांस्टेंट है। ठीक हो गया, बस बन गई बात। तो फाइव बराबर है डब्ल्यू ए बी, टेन प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू सी ए निकालना है मुझे, तो व्हाट इज डब्ल्यू सी ए? माइनस फाइव जूल आ गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यहां तक मैं कब पहुंच पाऊंगा जब मुझे इस टर्म का मतलब पता है? देखो उसने नेट वेल्डन नहीं कहा, नेट हीट सप्लाइड कहा उसने मुझे। ये कब निकाल पाया था? जब मैंने साइक्लिक प्रोसेस को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा कि नेट हीट सप्लाइड बराबर है वर्क डन होती है मेरी। देख लो बच्चा जी, ये आपका आईआईटी में आया हुआ है 2002 के अंदर। जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि क्वेश्चन आईआईटी में जो आएगा वो ये नहीं कि भाई आपको आता ही नहीं है, उसमें आपको बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होगी सारी आपको। आगे चले बेटा और देखो, देख लो बेटा, रब कर दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है? आप पहले ए से बी गए, फिर आप बी से सी गए, और सी से ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से वापस आ गए। तो पहले आप ए पर थे बेटा जी, बी पर पहुंच गए, फिर आप सी से वापस आ गए। ये साइक्लिक प्रोसेस है। इस डायरेक्शन में वॉल्यूम है और इस डायरेक्शन में प्रेशर है। कहता जब आप ए से बी गए हो तो जो हीट एब्जॉर्ब है वो 250 जूल की है, जब आप बी से सी पर गए हो तो हीट एब्जॉर्ब 60 जूल की है, लेकिन जब सी से ए पर आए हो तो -180 जूल की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डब्ल्यू ए बी सी बताना है। लो जी, ये बताना है। तो मुझे बताना क्या है पहली बात, अब कंफ्यूजन कहां होगा मैं आपको बता देता हूं। मुझे सिर्फ डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी निकालना है, क्योंकि उसने ए बी सी ए नहीं कहा, ए से बी जाना, बी से सी जाना। पहली बात तो यहां कंफ्यूजन होगा, हम प्लस डब्ल्यू सी ए भी लिख के ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। नंबर टू, जब मैं बी से सी जा रहा हूं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जीरो होगा, तो व्हाट इज ए बी सी? मुझे बस डब्ल्यू ए बी चाहिए। चेक कर लो भाई क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जस्ट कंफ्यूज कर रहा है वो। क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जस्ट कंफ्यूज कर रहा है वो आपको। लो जी, अब ये डाटा गिवन है मेरे को, उस डाटा से बात करते हैं। जब मैं ए से बी गया, प्रोसेस ए टू बी किया मैंने, हां जी बेटा जी, क्या होता है? क्यू ए बी बराबर है यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी, बस ये तो निकालना मुझे। व्हाट इज क्यू ए बी? 250 जूल। यू ए बी पता नहीं, डब्ल्यू ए बी निकालना ही है मुझे। जब मैं कहां गया, बी से सी गया, तो क्यू बी सी बराबर है यू बी सी प्लस डब्ल्यू बी सी। अभी मैंने कहा कि डब्ल्यू बी सी जीरो होगा, अभी कहा मैंने आपको, तो व्हाट इज क्यू बी सी? 60 जूल है, तो दैट इज यू बी सी प्लस जीरो, तो व्हाट इज यू बी सी? 60 जूल आ गई। लेकिन ये मुझे पता है प्रोसेस मेरा साइक्लिक है, तो मेरे को बी सी और ये दी हुई है सी ए, तो साइक्लिक प्रोसेस पे लगा दो इसको। यू ए बी सी ए बराबर है यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए, तो ये कितनी है? जीरो। यू ए बी मुझे निकालनी है, पता नहीं है। यू बी सी 60 आ गई है, वो -180 है, तो व्हाट इज यू ए बी? सॉल्व करके 120 जूल आ गई बच्चा जी। बस यहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से इसको कहां करें, यही कर लें। लो जी, तो 250 बराबर है यू ए बी प्लस यू बी 120 आ गई है प्लस डब्ल्यू ए बी, तो व्हाट इज डब्ल्यू ए बी? 130 जूल आ गया। बस ये आपका आंसर बन गया। लेकिन फिर वही बात है कि ये बातें कब करूंगा, जब मुझे पता होगा सब कुछ। तो बच्चों जी, आज मैंने कोशिश करके आपके साइक्लिक प्रोसेसेस की बात की है। इन साइक्लिक प्रोसेसेस को मैं वर्क डन, फिर एफिशिएंसी और फर्स्ट लॉ, तीनों पे मैंने इसको अप्लाई किया। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन का क्वेश्चन है। ये मैं कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन आपके जेईई मेन्स वाले सॉल्व करने की। 2019 में आया है ये। तो मैंने आपके पांचों प्रोसेसेस क्लियर कर दिए हैं।
आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेसेस। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, पढ़ते रहो।